काम, वक्त और रफ्तार, यानी वर्क टाइम एंड वेलोसिटी, इन पर कुछ मिसालें हम हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी घर की तामीर के लिए लगने वाले मजदूर और दरकार वक्त, इसी तरह सवारियां और उनके जरिए तय किया हुआ फासला, इसी तरह जो है खेत में काम करने वाले मजदूर और दरकार दिन वगैरह, इस तरह की मिसालें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी मिसालों में हमेशा माकूस तगय्युर होता है। यहाँ पर एक मिसाल हम देखते हैं कि एक खेत में मूंगफली निकालने का काम 15 औरतें 8 दिन में पूरा करती हैं। वही काम 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी औरतों को काम पर जाना होगा? यहाँ पर हम हल करते हैं, यानी इस मिसाल को अगर हम हल करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि औरतों की तादाद और दिनों की तादाद के दरमियान माकूस तगय्युर है। तो हम पहले फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज करो कि औरतों की तादाद बराबर ए और दिनों की तादाद बराबर बी। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान माकूस तगय्युर है, इसलिए ए इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी ए बी के माकूस तगय्युर में है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 औरतें 8 दिन में उस काम को पूरा करती हैं, यानी यहाँ पर ए बराबर 15 हो तब बी बराबर 8 होता है। इस मसावात में हम यहाँ पर तगय्युर की जो मसावात है वो पहले हम लिखते हैं कि तगय्युर की जो मसावात होगी ए ज़र्ब बी बराबर के। इस मसावात में हम ए और बी की कीमत लिखेंगे, ए की कीमत 15 ज़र्ब बी की कीमत 8 बराबर के। इसलिए 15 और 8 का अगर हम ज़र्ब करेंगे तो हमें 120 हासिल होता है, इसलिए ए बराबर 120, यानी तगय्युर के मुस्तकिल ए की कीमत 120 हासिल होती है। इसी तरह 15 औरतें 8 दिन में उस काम को मुकम्मल करती हैं, वही काम 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी औरतों को काम पर जाना होगा, यानी यहाँ पर वही काम का है और यहाँ पे दिनों की तादाद दी हुई है, यानी बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए की कीमत हम निकाल चुके 120, तो ए बराबर क्या होगा? यहाँ पर हम तगय्युर की मसावात लिखेंगे, यानी ए ज़र्ब बी बराबर के। इसलिए ए की कीमत हमें मालूम करना है, बी की कीमत 6 और ए की कीमत 120 हासिल होती है। इसी तरह ए की कीमत अगर निकालेंगे हम तो 120 को 6 से तकसीम करेंगे, इसलिए ए बराबर 6 × 6 = 12, सीफर जैसा का वैसा लिखेंगे, यानी यहाँ पर ए की कीमत 20 हासिल होती है। इसी तरह जो है वही काम 6 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी इसलिए 6 दिनों में काम पूरा करने के लिए कुल 20 औरतों को काम पर जाना होगा। मिसाल नंबर 2, अगर 15 मजदूरों को एक दीवार तामीर करने के लिए 48 घंटे लगते हैं, तो 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? आइए इस मिसाल को हल करते हैं। हम यहाँ पर पहले फर्ज कर लेते हैं
के मजदूरों की तादाद बराबर एन और दरकार बराबर टी। यहां पर मजदूरों की तादाद और दरकार दोनों के दरमियान माकूस तगैयुर है, इसलिए हम लिखेंगे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी एन टी के माकूस तगैयुर में है। यहाँ पर तगैयुर की मसावात एन जर्ब टी बराबर के हासिल होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दीवार तामिल करने के लिए 15 मजदूरों को एक दीवार तामिल करने के लिए 48 घंटे, यानी मजदूरों की तादाद यहाँ पर एन इज इक्वल टू यानी एन बराबर 15 तब दरकार वक्त यानी टी बराबर 48 होता है। इसलिए हम एन और टी की कीमत तगैयुर की मसावात में रखेंगे, इसलिए 15 ज़र्ब 48 बराबर के, इसलिए के बराबर 15 को 48 से अगर हम ज़र्ब करेंगे तो हमें 720 हासिल होते हैं, यानी तगैयुर का मुस्तकिल के की कीमत 720 हासिल होती है। इसी तरह जो है 15 मजदूरों को एक दीवार तामीर करने के लिए 48 घंटे दरकार होते हैं, तो 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, यानी 30 घंटे यानी टाइम दरकार वक्त, यहाँ पर टी दिया हुआ है 30 यानी टी बराबर 30। इसी तरह के की कीमत हम हासिल कर चुके 720, तो यहाँ पर मजदूरों की तादाद यानी एन बराबर कितना होगा ये मालूम करना है। तगैयुर की मसावात हम लिखेंगे एन ज़र्ब टी बराबर के, यहाँ पर एन की कीमत हमें मालूम करना है, इसलिए एन ज़र्ब टी की कीमत 30 हासिल होती है। इसी तरह बराबर के की कीमत जो है वो 720 है, इसलिए एन बराबर यहाँ पर 720 को 3 से हम 30 से हम तकसीम करेंगे, एक सिफर से एक सिफर को हम काट देंगे यहाँ पर, और 72 को अगर 3 से हम तकसीम करें तो यहाँ पर 24 हासिल होते हैं। इसलिए 30 घंटों में 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। इस तरह प्यारे बच्चों हम काम वक्त और रफ्तार पर मिसालें हल कर सकते हैं।